हमीर उस सब जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। ये बात वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या के शुभारंभ अवसर पर कही। साथ ही उन्होंने इस दौरान 133 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया और उसका शुभारंभ किया। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का द्वीप प्रचलित कर उद्घाटन किया और हमीर उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने प्रदेश की भाषा, संस्कृति तथा प्राचीन धरोहर के संरक्षण पर बल दिया और हमीरपुर के लोगों को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जो पहले कांगड़ा जिले का हिस्सा था के अस्तित्व में आने के बाद जिले में तेजी से प्रगति हुई है और विकास के अनेक आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 1972 में हमीरपुर जिला के अस्तित्व में आने की स्मृति में हमीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। गत 44 वर्षों में हमीरपुर ने विकास के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह उत्सव जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है जो भाईचारे और स्नेह की भावना को प्रोत्साहित करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमीर उत्सव में आने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनके आदेश अनुसार मैं उनका संदेश आपके सामने आया हूँ। मैं हमीरपुर वासियों को और प्रदेश के वासियों को हमीर उत्सव से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा शांति आगे फले और हम आगे बढ़ते हैं और सबको भी उस पर पिक्चराइज किया है और दिखाया है और फ्लैग होस्टिंग की है। जो फ्लैग यहाँ 133 फीट लंबा जो ये हिस्टोरिकल है, ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस किस्म का फ्लैग कहीं भी नहीं है, उसका भी साथ में उद्घाटन किया है और लोगों को बधाई दी है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। इससे पहले उपायुक्त एवं अध्यक्ष हमीर उत्सव मदन चौहान ने मुख्य अतिथि का पारंपरिक विधि से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट।